आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, कहां से बाय करूं, कैसे बाय करूं, क्या मेरे पैसे सुरक्षित है। इस वीडियो के एंड तक आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, उन सवालों के भी जो आप पूछ ही नहीं रहे हो, और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं बहुत सारे पीसी कंपोनेंट्स ऑनलाइन खरीदता रहता हूं, लेकिन इस बार मैंने एक गेमिंग पीसी मंगवाया है। इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा, वेबसाइट पर ऑर्डर करने से लेकर अपने घर पे डिलीवरी लेने तक। ये पीसी मैंने Bitkart.in से मंगवाया, क्योंकि कई और यूट्यूबर्स को भी मैंने कई अच्छी अच्छी बातें करते हुए देखा है इस वेबसाइट के बारे में, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया जो ट्रांसफर करते हैं, गांव देहात में भी लाइव बनते हुए दिखाते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, पहले पीसी लो फिर पैसे दो। और मैं तो आपको सबसे बड़ा रीजन बता दूं कि मैंने इनका ऑफिस दे रखा है दिल्ली नेहरू पैलेस में, तो कोई गड़बड़ होती है तो मैंने पकड़ भी लूंगा। ये वीडियो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो यही पार्ट है कि कैसे हमने असेंबल किया और बाय किया। दूसरा पार्ट है कैसे मेरे पास कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप वीडियोस आए और मैं लाइव फीड कैसे देख पाया आपने पीसी को बनते हुए। तीसरा पार्ट होगा डिलीवरी कैसे ली मैंने और पेमेंट कैसे किया। और फिर चौथा पार्ट होगा कि कैसे अनबॉक्सिंग करी। पांचवा पार्ट होगा कि पहली बार मैंने कैसे स्टार्ट किया, तो क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। छठा पार्ट होगा जो टेस्टिंग और बेंचमार्किंग करेंगे हम गेम्स की। और सातवां पार्ट कंक्लूजन। और बिल्कुल आखिरी में एक स्पेशल वीडियो होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको Bitkart.in का लिंक दे रखा होगा, तो इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे या फिर आप खुद ही टाइप कर लो Bitkart.in, और यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस दिखाई देंगे, तो आपको जो भी करना है वो आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ डिवाइसेस हैं इनके प्रीबिल्ट, और कस्टम रिग बनाना चाहो आप अपनी मर्जी से तो वो कर सकते हो, और कंपोनेंट्स। तो आइए पहले डिवाइसेस में देख लें। मैंने आप लोगों से पूछा था कि 50,000 के अंडर में कौन से गेमिंग पीसीज बढ़िया रहेंगे, तो आप डिवाइसेस में देखोगे इनके सारे प्रीबिल्ट हैं। आप ये यूसेज यहाँ पे देख सकते हो, आपके ग्राफिक डिजाइन, गेमिंग रिग किसके लिए चाहिए वो चूज कर लो आप। कोई ब्रांड आपका स्पेसिफिक हो, इंटेल एएमडी उसमें चाहिए, प्रोसेसर में आपको ये सारे प्रोसेसर अवेलेबल हैं, इन सारे पे आपका प्रीबिल्ट बन सकता है। प्राइस आपको डिसाइड करना आप कर लो। तो मैंने जो है यहीं पे जो है 50,000 का बजट अपना चूज किया था, उससे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर एक लिस्ट बन जाएगी पूरी आपकी आके। तो उसमें 5-6 बिल्ड आ रहे थे, मैंने आप लोगों से पूछा 50,000 में कौन से करने चाहिए, तो आप लोगों ने कुछ बताए, उसमें से हमने कुछ चूज किए हैं। तो उसमें निकल के आया गौरसा, और ये 46 का है अज्यूरे 2, ये 46 का है ये भी अज्यूर, ये 49 यानी 50 का है, 50K का सेटना 4 48,000 का, और लूमिन 5 50,000 का। अच्छा, लूमिन 5 है ना, ये थोड़ा सा अपनी समझ के बाहर है, क्योंकि ये RX 570 के साथ आ रहा है। अपनी मेन प्रायोरिटी है गेमिंग, तो उसके लिए हम एक ताकतवर ग्राफिक कार्ड लेना चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि बजट भी हमारा कम हो, जैसे कि सस्ता भी नहीं है, 50,000 का है, और RX 570 जो है ये यूज कर रहा है ग्राफिक कार्ड, तो लूमिन 5 को तो हटा ही देते हैं। अब बचे ये 4, इसमें भी सबसे बढ़िया एज्यूर 2 लगा है मुझे, जो 46,000 का है। ये एक अच्छे MSI के B365M मदरबोर्ड के साथ आता है, 1650 सुपर आपको मिल रहा है, साथ में 9100F वाला प्रोसेसर। इसमें से जो मैंने आपने पीसी जो 5 बताए थे ना, उनमें से 3 में 9100F जो है यूज हो रहा था CPU, और ग्राफिक कार्ड जो यूज हो रहा था वो 3 में ही यूज हो रहा था 1650 सुपर, 1 में Azure में 590 यूज हो रहा था RX AMD, और सेटना 4 में, सॉरी लुमिन 5 में 570 यूज हो रहा था। और हम 9100F वाला ही सिस्टम ले रहे हैं, क्योंकि गेमिंग के लिए सबसे बढ़िया है, और हमें अपनी प्राइस भी सबसे ज्यादा कम रखनी है, ये सबसे बढ़िया है, 46,000 में सबसे बढ़िया था। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इससे भी सस्ता कुछ लें, जैसे कि आप देखोगे यहां पर ये ऑप्शन भी देते हैं फ्री अपग्रेड का, ये उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ी नॉलेज कम है, ये बेस्ट है उनके लिए। इस तरह का प्रीबिल्ट आप ले लो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। B365M मदरबोर्ड मिल रहा है आपको, पोर्ट्स वगैरह ज्यादा मिल जाएंगे, एक अच्छा ऑप्शन है। साथ में मैं आपको ये बता दूं, फ्री अपग्रेड में यहाँ पर चाहो तो आप 16GB की रैम ले लो, चाहे तो 500GB की आप जो है NVMe SSD ले लो 250 के बजाय, और साथ में या फिर आप UPS ले लो, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन हम पैसे और कम खर्च करेंगे और एक कस्टम गेमिंग रिग बनाएंगे, तो आप मेन उस पर आ जाओ पेज पे। जैसे डिवाइसेस का तो ये था, मैं कस्टम रिग में चला जाता हूँ। कस्टम रिग में खुद ही हम अपना बनाएंगे और देखेंगे कि हम कम से कम में कौन सा पीसी बना सकते हैं, जिससे कि प्राइस भी कम हो और गेमिंग भी तगड़ी हो जाए। क्योंकि मैं बनाना चाहता हूं कि 1650 सुपर वाला ग्राफिक कार्ड ले लें और 9100F वाला CPU ले लें, और फिर उसके ऊपर अपनी मर्जी से ही सस्ते सस्ता आइटम जो है जोड़ते चले जाए, तो कम से कम कीमत में हमें पीसी मिल जाएगा। अब यहां पर वो यूसेज पूछ रहा है, तो गेमिंग रेट डाल देते हैं, देखें कैसे बनता है।
इसमें उसने कैबिनेट पूछा है, तो कैबिनेट में मैं एंड ई स्पोर्ट्स यूज कर ले रहा हूं। और आप ये देखो किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हो, आपको जैसे कूलर मास्टर का देखना है तो वहां देख लिया, मॉडल देख लिया, ये जैसे 4,500 का यहाँ पे इनका सबसे सस्ता आ रहा है कूलर मास्टर का, ऐसे ही आप कॉर्सेयर का देख लो, कॉर्सेयर का सबसे सस्ता कौन सा आ रहा है, ये 3,000 कुछ का आ रहा है कॉर्सेयर का, तो मैं एंड ई स्पोर्ट्स का यूज कर ले रहा हूं एक, वो अच्छा लग रहा है, वो सस्ता भी है, 3,850 रुपए का, ठीक है, ये मैंने यूज कर लिया, मस्त एकदम सस्ता कैबिनेट मिल गया मुझे, मैंने चूज नहीं किया, सॉरी गीगा बाइट चूज कर रखा है मैंने गलती से, एंड ई स्पोर्ट्स चूज किया, वही मैं कहूँ दो ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं, और ये मैंने 2,850 का अपना कैबिनेट चूज कर लिया। प्रोसेसर में हम इंटेल पे बना रहे हैं अपना बिल्ड, 9100F चाहिए मुझे, पेंटियम नहीं चाहिए, 9100F 6,390 का है, ये मैंने चूज कर लिया। मदरबोर्ड में वैसे तो मैं एसरॉक कहने वाला था, लेकिन एसरॉक आप A320 मदरबोर्ड के लिए रखो, AMD बिल्ड के लिए, यहाँ पर हम MSI यूज कर ले रहे हैं, बढ़िया है MSI का ये वाला, H310 यूज करेंगे, सबसे सस्ता चिपसेट यही है, 4,650 का है, मस्त एकदम यूज कर लिया मैंने। ग्राफिक कार्ड में आप चूज कर लो, देख लो प्राइस वगैरह आप देख लो, जैसे कि गीगाबाइट का हम पहले टेस्ट कर ले रहे हैं प्राइस क्या है, गीगाबाइट का 1650 सुपर यहाँ पर है 13,600 का, और एसुस का देखे ले रहे हैं, एसुस का 1650 सुपर है ही नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनो 3D का देखे ले रहे हैं, इनो 3D का 1650 सुपर कितने का है, कम ऑन 1650 सुपर 13,200 का, तो मुझे यही सस्ता दिखाई दे रहा है, मैं यही चूज कर ले रहा हूं, इनो 3D का कार्ड बेहतरीन है, बहुत बढ़िया बिल्ड बनेगा, 1650 सुपर भी आ गया है अब अपने पास। SMPS में कॉर्सेयर की VS6450 आप जानते ही हो, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये चूज हो गई फौरन ही, और हमारा क्या बचा हुआ है, प्राइमरी स्टोरेज, अरे मतलब मत बताओ मुझे, चूज करवाओ, ये पेज नीचे किया मैंने, प्राइमरी स्टोरेज में मैं SSD चूज करूंगा, आपकी मर्जी है कोई भी यूज कर लो, मैं वेस्टर्न डिजिटल की जो बहुत सस्ती सस्ती आती है वही चूज कर रहा हूं मैं, M.2 ही यूज करूंगा, क्योंकि आप देखो ये जो 2.5 इंच वाले फॉर्म फैक्टर में वो 3,690 की है, और जो M.2 में आ रही है सिर्फ 100 रुपए बढ़ा के वो आपको 2,590 की बढ़ जाती है, तो मैं वो M.2 वाली 240 वाली यूज कर ले रहा हूँ, 240 GB वाली, और आप रैम में जो मर्जी आप कॉर्सर की लेना चाहो, एडिटा की लेना चाहो, जी स्किल की देखे ले रहे हैं कितने की है और फिर चूज करेंगे। अच्छा हमने ये S310 मदरबोर्ड लिया है ना, ये 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करता है, और अब यहाँ देखो उसका ऑप्शन नहीं है, तो वो भी बहुत सस्ती है, 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम से भी वो बहुत पहले ही सस्ती हो गई थी, यहाँ पर है जी स्किल की रिप जॉज 5 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली 3150 की, ठीक है जी। एक बार मैं कॉर्सेयर की और चेक कर लूं, बहुत ही कम डिफरेंस है, 40 रुपए का अंतर है ना, तो जी स्केल वाली यूज करे ले रहे हैं, रिप जॉज ही यूज करे ले रहे हैं, बहुत ही छोटा अंतर है। कूलर्स में मुझे कोई कूलर नहीं चाहिए, मैं स्टॉक कूलर ही यूज करूंगा, ये भी सिलेक्ट हो गया मस्त एकदम। वाईफाई में मर्जी है आपकी, अगर आप चाहते हो कि ये वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो मैं तो स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आप वाईफाई पे कनेक्ट कर लो, ले लें क्या, 650 का खर्चा हो जाएगा, ले लें क्या, वैसे आप चाहो तो नहीं करो, ले ही लेते हैं, वो जमाना आ चुका है कि भैया पीसी चाहे आप वैसे कनेक्ट करो, लेकिन एक हो जाना चाहिए, 650 जोड़ दूं क्या है, जोड़ देते हैं, चलो वाईफाई भी जोड़ देते हैं, होना चाहिए। अब कस्टम मोड कोई है ही नहीं, हमारा कोई कस्टम मोड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या बचा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी आप चाहो ट्रायल वर्जन, या फिर आप खरीदना चाहते हो प्रोफेशनल विंडोज 10 11,000 की, तो खरीद सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, तेल निकल जाएगा आपके बजट बिल्ड का, मैं तो ट्रायल वर्जन खरीद रहा हूं, और आप जानते ही हो OEM कीज वगैरह में हम प्रमोशन करते ही रहते हैं, वो डालो मस्त चलाओ, वरना चाहो तो फ्री में ही चलाओ। अच्छा अब ये अपना बिल्ड बन गया है, ये कीमत कुछ पड़ी है हमारी 36,000 की, ठीक है। अच्छा एक और बात आप नोटिस करो, मैंने SSD तो यूज करी है प्राइमरी स्टोरेज में, एक हमें सेकेंडरी स्टोरेज भी ले लेनी चाहिए, जो प्रीबिल्ट आप खरीद रहे हो तो वो बार बार यार इतना नहीं होगा टैकी कि वो हार्ड डिस्क बाद में लगा ले, वरना तो मैं आपसे बाद में ही लगवाता, लेकिन अब हम ये सेकेंडरी स्टोरेज भी ले लेते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज का ऑप्शन खुल गया है, और सेकेंडरी स्टोरेज में मैं ऑब्वियसली बात है SSD नहीं लूंगा, हार्ड डिस्क ही लूंगा मैं, हार्ड डिस्क में मैंने चूज कर ली सीगेट की, देखूं 1 TB कितने की है, ये है 2,950 की। अच्छा और WD की कितनी है, ये है 2,990 की। अरे अब जरा 50-50 रुपए के अंतर होने हैं, 40-50 रुपए के, तो मैं यही लिए ले रहा हूँ, ठीक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। अब हमारा बिल्ड जो बन गया है वो ठीक 38,980 का हो गया, यानी कि बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल पास पहुंच रहा है 40,000 के, लेकिन अंडर 40,000 है, 20 रुपए कम है 40,000 से, ठीक है। अभी आप चाहो तो ये आप जो डाउनलोड कर सकते हो PDF जो आपकी है लिस्ट की,
जैसे यहाँ तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि क्या था क्या नहीं था, तो ये डाउनलोड हो गया, मैं ऐसा देखे ले रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आया है। आप ये देख सकते हो यूसेज हमारा गेमिंग रिग है, एंड स्पोर्ट्स का 200G लिया है मैंने, 9100F प्रोसेसर ले लिया, HD10 मदरबोर्ड MSI की तरफ से आने वाला, Eno 3D का बेहतरीन 1650 सुपर कार्ड ले लिया है, SMPS कॉर्सियर की अपनी VS450 ले ली है, वेस्टर्न डिजिटल की 240GB ग्रीन M.2 SSD ले ली है, 1TB बैरागोडा जो है सीगेट की तरफ से ले ली है, दोनों खुश हो गए, वेस्टर्न डिजिटल सीगेट, रैम जी स्किल की हमने रिप जॉज ले ली है, स्टॉक कूलर लिया है हमने, कस्टम मोड कुछ किया नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ट्रायल वर्जन लिया है क्योंकि अभी हम फ्री रखना चाहते हैं, आपके ऊपर है आप बाद में कीवी डालते रहना। टोटल प्राइस निकल के आ रहा है 38,000, यानी कि वही अमाउंट वही है, 40,000 करीबन का निकल के आ रहा है। ठीक है जी, ये एकदम क्लियर हो गया, अब इसी को बाय कर लेते हैं। डाउनलोड तो कर ही लिए मैंने, PDF बाय नाउ बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। वैसे आप चाहो तो नीचे रिव्यूज भी पढ़ सकते हो, रिव्यूज भी लिखे हुए हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप ही करना चाह रहा हूँ जो करना है हमें। बाय नाउ में जाके एक बार जरा कार्ड दिखाई दो, वो मैं चेकआउट तो कर ही दूंगा मैं, लेकिन एक बार कार्ड भी दिखा दो कि हमने क्या क्या है, कैसी लिस्ट आती है। जैसे PDF फाइल तो है ही, उसमें क्लियर हो गया, लेकिन और क्लियर हो जाए कि भाई क्या खरीदने जा रहे हैं। खर्चा बड़ा होता है यार अच्छे अच्छों के लिए, जो है 40,000 रुपए के बिल्ड जो है बड़ी बड़ी कॉस्ट हो जाती है भाई। तो ये हमारा आ रहा है 39,000 का, मैं पढ़ रहा है, मैं 40,000 क्यों करे जा रहा हूँ, 39,000 का पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स तक नहीं आती मुझे 39,000 का ये पूरा पढ़ रहा है। अपडेट कार्ड वगैरह वगैरह आप कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ चुकी है एकदम सही से। क्लियर कार्ड करना चाहो तो क्लियर कार्ड कर दो, आप प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट कराओ आप मेरे से और देखें इसकी पेमेंट वगैरह कैसे होती है। और आप देख रहे हो साइट थोड़ा सा पेजेस जरा देर से खुल रहे हैं, आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा डिले हो रहा है, भाई कोई नहीं भाई, पैसे बचवाओ और प्री बिल्ड दो, थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही हो, सर्वर वगैरह डाउन हो वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। ये अगला पेज खुल गया, थोड़ा सा स्लो चली वेबसाइट, यहाँ पे ये पेज खुला है। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये मैं फिल आउट कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ आप देख रहे हो ये नंबर आपको मिला है, आप चाहो तो SMS नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो, लेकिन ये WhatsApp नंबर पूछ रहे हैं, उस पर WhatsApp पे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पे कई सारे पेमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं, रेजर पे, क्लिक हेयर फॉर EMI ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ये आपको अगर EMI ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ से भी अवेल कर सकते हो, आप चाहो तो कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, PC जब डिलीवर हो जाए उसके बाद आप पैसे दो अगर नहीं हो रहा है, और बैंक ट्रांसफर करते हो तो भाई उसका फायदा हमेशा ही होता है, 2% डिस्काउंट ऑन NEFT RTGS IMPS, भाई सीधी सी बात है, जल्दी जल्दी पेमेंट होते हैं तो उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। आपको चाहिए तो वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप यही करो, और चाहो आपको जैसे यकीन नहीं हो रहा है तो कैश ऑन डिलीवरी करो, भाई देखो मैं तो प्रेफर करूंगा बैंक ट्रांसफर, लेकिन फिर भी कैश ऑन डिलीवरी यूज कर लेते हैं, जैसे बड़ा अमाउंट होता है तो लोगों को थोड़ा सा यकीन होना मुश्किल हो पाता है, कैश ऑन डिलीवरी मैंने चूज किया है। और ऑर्डर प्लेस कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी चूज करके ये ऑर्डर हो चुका है। ये कह रहे हैं वी विल ईमेल यू एन ऑर्डर कंफर्मेशन विद डिटेल्स एंड ट्रैकिंग इन्फो, ठीक है ईमेल चेक कर ले रहे हैं कुछ आया है कि नहीं आया है। ये कंफर्मेशन वाला ईमेल आ चुका है, ऑर्डर नंबर आपका आ चुका है, आपका एड्रेस, बिलिंग इन्फो, शिपिंग इन्फो सब कुछ आ चुकी है, पूरी लिस्ट आ चुकी है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है ईमेल के अंदर। ओवरऑल बस ये है कि वेबसाइट ने कंफर्म कर दिया है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, अब ये कस्टम प्रीबिल्ट PC आपका जो है बनना शुरू होगा। साथ में एक और आप बात देखो, वेबसाइट ये कहती है कि अगर आपको ट्रैक करना है ना अपना ऑर्डर स्टेटस वगैरह वगैरह, तो एक अकाउंट क्रिएट कर लो, क्योंकि आपने देखा अभी तक मैंने कोई अकाउंट नहीं बनाया था, इस पे साइन इन नहीं किया था, लेकिन आप चाहते हो तो अकाउंट क्रिएट कर लो, तो आप ट्रैक भी कर लोगे, भाई बड़ा अमाउंट आप यूज कर रहे हो, पूरा PC खरीद रहे हो, तो जरा ट्रैकिंग व्रैकिंग के लिए साइन इन भी कर लो, आपको सहूलियत होगी। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो कस्टम रिग हमने बनाया है, जैसे इनके प्रीबिल्ट्स हैं और ये हमने कस्टम रिग बनाया है, प्रीबिल्ट तो ये भी है, लेकिन वारंटी दोनों पे ही आपको सेम मिलेगी और एक ही तरह की मिलेगी। ये कंफ्यूजन हो रहा था मुझे भी कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो पहले से ही इनके डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हो कि अगर ये जो मैं इनके प्रीबिल्ट्स जो हैं वेबसाइट वालों के वही यूज करता तो शायद उस पर वारंटी अलग मिलती, और मैंने कस्टम रिग बनाया है तो शायद ये कहें कि मतलब टेस्टिंग हम करते नहीं है ज्यादा, या फिर और कोई चक्कर है तो हम वारंटी सेम नहीं कर सकते, लेकिन दोनों पे वारंटी सेम है
कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपका। अब क्या है, मैंने प्लेस किया था ऑर्डर 3 बजे के बाद, अब बज रहे हैं 6:22। आप देखो टाइम देखो, मेरे पास 1-1.5 घंटे बाद कॉले और ईमेल आनी शुरू हो गई। जो पहली कॉल आई वो ये थी कि थैंक यू आपने प्लेस किया ऑर्डर, और ये कंफर्म कर रहे हो ना आपके ये अच्छा है, तो अब हम आपको क्या करेंगे, हम एक आपको अनबॉक्सिंग वाला वीडियो भेज रहे हैं। तो एक तरह से कंफर्मेशन कॉल थी कि हाँ आप मतलब बिल्ड चाह रहे हो और एवरीथिंग, और उन्होंने कई और गाइडलाइंस भी दी, साथ में ये भी बताया कि वारंटी शॉरंटी कैसी है और आपको और क्या ध्यान देना चाहिए, जैसे करंट है, यूपीएस आप लगाओ और ये सारी, और वारंटी कैसे काम करेगी, वो सारा कॉन्फिडेंस में लिया। फिर उन्होंने ये समझाया कि हम आपको 2 मेल भेजेंगे, एक मेल होगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि अनबॉक्सिंग वीडियो, कि ये देखो ये सारे प्रोडक्ट सील पैक्ड थे और ये मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, और फिर जब वो वीडियो, अभी मैं आपको और दिखाऊंगा, मेल भी दिखाऊंगा, मैंने कहा वीडियो आपने भेजा, मैंने कहा आप सबके लिए ही बनाते हो, तो मतलब आपका एम्प्लॉई या कोई भी हो सबके लिए आप बनाते हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम सबके लिए बनाते हैं। उनका ये कहना था कि जितना टाइम हमें कॉल पे लगेगा उससे 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं वीडियो बनाने में और आपको भेजने में, तो हम सारी बात जो है वीडियो के अंदर कर देते हैं। फिर दूसरी कॉल मेरे पे आई कन्फर्मेशन के लिए कि हम ये बनाने जा रहे हैं बिल्ड, आपने वो प्रोडक्ट ओके कर दिए ना और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, मैं आपको बताऊँ, अभी मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ, पहले मैं मेल दिखाऊंगा उसके आगे बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या हुई और कैसे सॉल्व करी। अब क्या है, मेरे पे ये 2 ईमेल्स आए जिसमें एक में तो इन्फॉर्मेशन थी कि ये मैं कैसे वो लाइव फीड देख पाऊंगा, मुझे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा, मैंने कई और यूट्यूब वीडियोस भी देखे थे bitkart.in के, और मेरे को सबसे अच्छा फीचर यही लगा था कि ये लोग जो है लाइव पीसी बनते हुए दिखाते हैं और आप अपना पीसी बनते हुए देखो और कन्फर्म कर लो कि ये आपका पीसी है कैसे बन रहा है, ख्याल से बना रहे हैं या जल्दी जल्दी बना रहे हैं, वो आप पूरा देख सकते हो। ज़रूरत मुझे कुछ नहीं थी, मैं तो बहुत सामान खरीदता हूँ बहुत वेबसाइट से, पूरा भरोसा है, और नेहरू पैलेस और इन जैसे जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर बेईमान लोग रह भी नहीं सकते हैं, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दिखाया तो मुझे अच्छा लगा कि ट्रांसपेरेंसी है। और भी कई लोग होते हैं जिन्हें भरोसा नहीं होता, उनके लिए होता है अच्छा, ये कैसे ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना, मैं आपको करके ही दिखाऊंगा पूरा काम, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये मुझ पे एक बार में हो नहीं पाया, मेरे 15-20 मिनट घुस गए, फोन वो रीस्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कैसे होगा और ये लाइव फीड कैसे देखते हैं, कैसा दिखाई देता है कैमरा वगैरह। दूसरा ईमेल मेरे पे ये आया था कि देखो हम आपके जो बॉक्सेस हैं वो हम अनबॉक्स करेंगे, आपको ये दिखाएंगे कि देखो आपका सारा सील है सामान, और 2-4 बातें हैं वो हम आपको कैमरे पे बताएंगे। और इसी अनबॉक्सिंग वीडियो में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स पता चली कि मैंने जो बिल्ड किया था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया और वो सॉल्व भी कर दी। कैसे सॉल्व करी, क्या क्लियर किया, वो आप वीडियो में देखो जो उनकी तरफ से आया है। सो हेलो सर, दिस इज मनीष फ्रॉम बिटकार्ट स्टूडियो, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आई वेलकम यू एट बिटकार्ट स्टूडियो, ये हमारा असेंबलिंग यूनिट है और स्टूडियो भी है, और थैंक यू सो मच फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर एट बिटकार्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिटकार्ट पे ऑर्डर प्लेस किया कैश ऑन डिलीवरी पे, ये हमारा एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है, हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं बहुत जल्द। उससे पहले जो प्रोडक्ट्स आपने हमारी वेबसाइट पे और कस्टमाइज करे हैं, ऑर्डर करे हैं कैश ऑन डिलीवरी पे, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप उसको देख लें, परख लें, अगर कोई डाउट है मुझे भी या आपको भी, अभी इसको सॉल्व कर लें ताकि बिल्ड बनने के बाद कोई दिक्कत ना हो। देखिए आपने ये ऑर्डर प्लेस किया है सर, IC 9100 है, ये सील है, ये सीरियल नंबर है इसके, कोई संदेह हो तो जरूर बताइएगा, ये 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव है सीगेट की साटा, ये रैम है रिपजॉन्स 8 GB आपने ऑर्डर कर लिए, जी स्किन रिपजॉन्स 8 GB, ये वाईफाई अडैप्टर है USB, बाद में इसको कंफिगर करेंगे बन जाएगा मशीन, इन्होंने 3D का 1650 सुपर ग्राफिक्स कार्ड है 3 ईयर वारंटी के साथ NVIDIA, अब बहुत गौर से देखिएगा, सॉरी ये कॉसियर की VS 450 वॉट पावर सप्लाई है, इस बिल्ड के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सही किया आपने, बहुत कस्टमाइज बहुत सही किया है, बजट PC बनेगा मेरे ख्याल से आपके। एक थोड़ी सी दिक्कत है, ये जो आपने ऑर्डर की है M.2, ये जो मदरबोर्ड है MSI का H310N, हमारे टेक्निकल स्टाफ के हिसाब से इसमें M.2 का स्लॉट नहीं है, इसकी जगह पे साटा SSD आप लगाएंगे सर 240, इसमें मैं 100 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, इसकी कंपैटिबिलिटी इस बोर्ड के साथ सही रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन आराम से हो जाएगी,
इसमें M.2 का स्लॉट नहीं है सर, इस पे देखिए H310M। ये थोड़ा सा चेंज मैं करना चाहूंगा विद योर परमिशन सर। ये है देखिए M.2 है, ये SSD साटा है, तो ये लगेगी सर। तो इसका मुझे आपका अप्रूवल चाहिए, जब आप हाँ बोलेंगे उसके बाद मैं इसको बिल्ड कराऊंगा। पहले आपको लाइव दिखाएंगे, हमारे कार्यकर्ता आपको फोन करेंगे, वो लाइव आपको दिखाएंगे। सेकेंड बात, हर चीज की वारंटी बिल पे मेंशन करेंगे हम लोग विद सीरियल नंबर प्रोडक्ट वाइज। किसी भी चीज के जलने की टूटने की कोई वारंटी नहीं है, ये लिमिटेशंस है हमारी, ज्यूरिसडिक्शन है और गाइडलाइंस है फ्रॉम द पेरेंट कंपनी। हम वेंडर हैं, 3 साल की वारंटी हम देंगे आपको ऑल ओवर इंडिया। टेलीफोनिक सपोर्ट हमारा चालू रहेगा 10 से 7 मंडे टू सैटरडे। हेल्पलाइन नंबर हमारा आजकल में आने वाला है, हम बहुत जल्द आपको हेल्पलाइन नंबर भी देंगे। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, सॉफ्टवेयर की या हार्डवेयर की, हमारा टेक्निकल स्टाफ उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। हम आपके साथ हैं और जो आपका विश्वास है हमारे ऊपर वो कायम रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर बिटकार्ट पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए। लाइव के लिए अभी तक हमारे कार्यकर्ता आपको फोन करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये मैंने भी देखा, इसमें वो लोग एक चीज कर रहे हैं, ये सारे पार्ट्स दिखाते हैं और ये कन्विंस करते हैं लोगों को कि देखो हम आपको ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सब सील पैक्ड है। वैसे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्ट्स सब सही होते हैं, खुले हुए हो तो उसका क्या मतलब है। लेकिन कोई अनजान आदमी होता है जिसे ज्यादा नहीं पता है, तो वो खुशी होती है उसे देख के कि हाँ मेरा बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट था। अच्छा, मैंने से एक बात पूछी, मैंने कहा आप इतने अच्छे हो कि सबके लिए अलग अलग वीडियो बना के देते हो, मतलब जो भी आपसे बाय करने आता है उससे ऐसी बात करते हो वीडियो पे। तो उनका एक कहना था कि एक तो कम जो बंदा है उसको थोड़ा यकीन हो जाता है, दूसरा हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई मीन हम जितना टाइम लगाएंगे उसे कॉल करने में, हमने उसी फोन से रिकॉर्ड भी कर दिया फटाफट, जो व्हाट्सएप कर दिया उतना ही टाइम लगा, और दूसरा सिर्फ बताने में कि ये मिल रहा है और दिखाने में एक्चुअली कि ऐसा हो रहा है, तो वो ज्यादा समझ में आता है, आदमी बंदा कन्विंस भी हो जाता है, वो हमारे लिए भी अच्छा है, हमें प्रॉफिट मिलता है क्योंकि और ज्यादा ऑर्डर प्लेस होते हैं, और बंदे के लिए भी अच्छा है, वो खुश हो जाता है कि मेरे को क्या मिल रहा है। उनका ये भी कहना था कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर हम पहचान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये M.2 वाली बात हुई, ये तो एक छोटा सा वो था जिसमें उन्होंने बात कर ली और बता दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। मैंने भी फोन पे कंफर्मेशन वगैरह दे दी कि हाँ ठीक है साटा लगा दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। लेकिन उनका ये कहना था हम एक नजर सी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दो एग्जाम्पल मुझे दिए, उन्होंने कहा एक कंटेंट क्रिएटर का हम पे बिल्ड आया, उसने H310 चिपसेट मदरबोर्ड लगाया था बड़ा सस्ता सा वाला और ले रहा था वो स्टोरेज 8 TB की। तो उन्होंने कहा भाई कौन बंदा है जो इतना बजट बिल्ड बना रहा है, स्टोरेज खरीद रहा हजारों हजार की। तो उन्होंने फोन किया, उसने बताया भाई मैं वीडियो क्रिएटर हूं एक, तो मैं इसलिए बिल ले रहा हूं, बजट बिल्ड बनाना चाहता हूं, मुझे पता था ग्राफिक कार्ड और CPU बहुत बड़े बड़े लेने चाहिए, मदरबोर्ड का इतना बड़ा रोल नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आपको चाहिए भाई कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको रैम भी ज्यादा लगानी होगी, अभी नहीं लगा रहे हो बाद में लगाओगे, तो आप 4 स्लॉट वाला लो, 2000 रुपए बढ़ाओ, आप B365M ऐसे मदरबोर्ड पे आ जाओ, वो आपका ज्यादा भला करेंगे, दूसरा USB पोर्ट्स वगैरह भी आपको ज्यादा मिलेंगे। इन्होंने उसे कन्विंस किया, उन्होंने दिखाया भी मदरबोर्ड भी कि देखो ये ऐसे पोर्ट्स बढ़ेंगे, आप भी लगाओगे कई चीजें, और आपके पास पुराना कंप्यूटर होगा उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ी थी और इस H310 में भी करनी पड़ेगी, तो आप ये देख लो। ऑल्दो चॉइस तो देते ही है कि भाई H310 लगाना तो वो भी लगा लो, वो कोई जबरदस्ती नहीं है। और एक बात भी, इंटेल की बात चली, उन्होंने और ये भी बात बताई कि जैसे रैम वगैरह होती है आप ज्यादा स्पीड की लगा रहे हो तो वो मना कर देंगे इंटेल वाला है, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लगने को जैसे कोई और वेबसाइट होगी कहीं और से भी बिल्ड आप ले रहे हो तो वो तो कहेंगे जब कंपेटेबल है तो क्या प्रॉब्लम है, हो सकता तुमने कोई सोच समझ के लिया हो 3600 MHz की रैम, वो मना कर देते हैं कि आप जो है ये मदरबोर्ड इतना ही सपोर्ट करता है और इस पे इंटेल वाले बिल्ड पे रैम का इतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो आप जो है सस्ती रैम ले लो, अपने पैसे बचाओ, इस तरह से वो बात भी कर लेते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो है वाईफाई फीड अभी हम देखेंगे, जो वेबकैम लगा हुआ वो तो देखेंगे ये मनते हुए, लेकिन उससे पहले ही ये सारे वीडियो शीडियो आ जाते हैं बातचीत वाले, ये एक अच्छी चीज है, इनका भी ज्यादा एफर्ट नहीं जा रहा, हमें भी खुशी हो रही है। और आप एक बात याद रखो, मैंने अभी तक एक पैसा नहीं दिया है इस बिल्ड के लिए, जो बातचीत हो रही है सब फ्री में ही हो रही है, ये एक अच्छी बात लगी मुझे। अब क्या करते हैं, वो जो लाइव फीड है वो कैसे देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आप प्ले स्टोर में जाओ और ईमेल तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, उसमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो ये मैं ऐप डाउनलोड करने आ गया, इसका नाम है GDMMS लाइट ऐप, ठीक है। ये कोई उनका कंपनी वालों का ऐप नहीं है, ये ऐसे ही इंटरनेशनल ऐप है, और ये आप यूज़ करो और ये एक बार इंस्टॉल हो जाए और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पासवर्ड वगैरह और कैसे कैसे डालना है, क्योंकि मैंने अभी ये किया था और मेरे पे हो नहीं पाया है एक बार में, मुझे टाइम लगा, इसलिए मैं आपको और दिखाई दे रहा हूँ कि कैसे देखना है आपको, है नहीं सही हो जाएगा एकदम, आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगी। इंस्टॉल हो गया फटाफट बेटा, GDMMS ये हो गया इंस्टॉल और अब ये खुल गया ऐप,
नेक्स्ट कर दे रहा हूँ मैं, अलाओ अलाओ, ठीक है ये अलाओ अलाओ कर देना आपको, वो रिकमेंडेड कंट्री पहले से ही इंडिया बता रहा है, तो आप इंडिया चूज कर लो, डन कर दो। अब हमें कैमरा देखना है, कैमरे पे आ जाओ आप, ये सारा ईमेल में लिखा हुआ है, वैसे मैं आपको वीडियो दिखाई रहा हूँ, ना रहने दो मुझे नहीं देखना, ठीक है ये हो गया। अब ये जो यहाँ साइड में कैमरा बना हुआ है इस पर आ जाओ आप, खुल जाए बेटे, यहाँ पर डिवाइस आ गया। अब यहाँ एड डिवाइस पर क्लिक कर दो आप नीचे जो है, ओके। अब पता मैं क्या कर रहा था, मैं इस वाले पे क्लिक कर रहा था, ठीक है वायर्ड डिवाइस, यहाँ वाईफाई डिवाइस पे आप क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पर भी एड डिवाइस आ गया। अब यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है ना वो आप पुट कर दो, और कैप्स लॉक में कर देना अगर प्रॉब्लम नहीं चाहते हो तो। अब ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन अपनी पुट कर दी, जो नाम वगैरह है, बिट कार्ड, जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी। और अब यहाँ पर क्या है, ब्लू बटन है ना, स्टार्ट लाइव वीडियो, लाइव प्रीव्यू स्टार्ट हो गया, वो चल जाए यार, पहले भी नहीं चला था, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, जैसे ये प्लीज वेट आ रहा है, बड़ी देर तक आया था पिछली बार भी, और इसमें कुछ गड़बड़ होती है ना तो वो कुछ देता नहीं है। देखो हो गया, लेकिन सही इस बार हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, और आप पेशेंस रखो, एक आध कैमरा चालू हो जाएगा जल्दी ही। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो है ईमेल में लिखा तो हुआ था लेकिन मेरे समझ में नहीं आया था, ये आप देख रहे हो जो फर्स्ट पेज है ना, इस पे नहीं हो पाएगा, आपको सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा। आप यूं कर दो, ये दूसरा जो सेकंड पेज है ना इस पे कैमरा आ रहा है, ये आ गया कैमरा, बल्ले बल्ले, देखूं पीसी कैसे बन गया है। डबल क्लिक कर दो आप, और उसे आप देख भी सकते हो, ये लोग बना रहे हैं पीसी मस्त एकदम, है ना, सही है ना यार, ये मैंने पहली बार देखा है कि लाइव लाइव आप अपना पीसी वीसी बनते हुए देखो, सब कुछ हो रहा है, आप देख सकते हो कैसे क्या हो रहा है, आपके पार्ट्स कैसे रखे हुए हैं, एक ही जगह पे काम हो रहा है। वैसे मैं बताऊं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बस वही है कि कई लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन हो जाता है, ये अच्छी चीज है। परेशान तो मैं हुए पता ढूंढने में, ये यार मंत्री जी की कोठी तो यार सामने दी गई, कितने देने भैया आपको, कहीं साइन वाइन नहीं करा रहे भैया, साइन नहीं ओए एक अपना आरडी प्रूफ दे दीजिए जी, जी एक सेकंड फोकस हो जाए, बस फोकस हो गया, बस वो सट तो तुम्हारा वो नहीं देगा। हटो जी, चलो चलो, थैंक यू सर, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। आपने अभी देखा वीडियो में कि कल ये आया रात में, मैंने पैसे वगैरह दिए और अब सुबह हो चुकी है और अब मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ।
बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये आता तो कैबिनेट के डब्बे में, वही बहुत होता है, कैबिनेट का डब्बा बहुत प्रोटेक्शन देता है, मैंने कई पीसीज भेजे, जरूरत नहीं होती इससे ऊपर पैकिंग की, लेकिन यहाँ पे और आपको बबल रैप मिल जाता है और कई जगह पे इस पे फ्रेजाइल भी लिखा हुआ है। तो इसे ओपन करते हैं, देखते हैं कि सही सलामत सब कुछ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। मैं आपके सामने ही ओपन कर दे रहा हूं, देखते हैं कैसा हाल मिलता है। सिर्फ बबल रैप भी नहीं है, साथ में और एक फोम भी है, डब्बे के ऊपर है ये। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो कैबिनेट का डब्बा होता है मोर देन इनफ होता है, उसमें और ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये तो अच्छी बात है। जितनी पन्नी और डबल डबल करके भेजो, मैं तो कह रहा हूँ भाई प्रोटेक्शन जितना मिले उतना बढ़िया। एक दो आप पता जैसे चौड़ी में मैं एक खोल रहा हूँ ना कैबिनेट, ऐसे ही एक दो बार हाथ भी कट चुके हैं मेरे। ये देख रहे हो आप, ये बबल रैप मैंने हटाया है और इसके ऊपर अभी और ढंग से दिखा रहा हूं मैं आपको, इतने में तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता कंपोनेंट्स को। इसके ऊपर एक फोम और है, एक शीट सी है फोम की, बहुत सही पैकिंग, बल्कि मैं बार बार कह रहा हूं उसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो ऐसे भी आ जाता लेकिन अच्छी बात है। अच्छा ये अब मेन आपको देखो, ये 200 TG का जो बॉक्स है अब वो दिखाई देने लगा है जो कैबिनेट का है, अब मैं उसे ओपन कर ले रहा हूँ। अच्छा कुछ पेपर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं एक सेकेंड अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये पेपर निकले खोलते ही, इस पे मैं आपको पेपर भी दिखाई दे रहा हूँ, वो भी इस पे bitkart.in का पूरा ये वो है पेपर वगैरह है कि आपने क्या पार्ट्स मंगाए हैं, और साथ में ये मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, एक सेकंड, ये देखो आप पूरा पार्ट्स जो है टेस्ट वगैरह जो हुए हैं वो सारे कैसे पार्ट्स पास हो गए हैं वो दिखाया गया है, ये आप देख पा रहे हो, साथ में सारे पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और जो प्राइस वगैरह है वो सब लिखा हुआ है, और दूसरे पन्ने पे क्या है, दूसरे पन्ने पे क्या है, पूरा बिल दे रखा है कि क्या क्या लगा है, आपके टैक्स वगैरह सब GST वगैरह टोटल कैलकुलेट करके जो आपकी प्राइस आई है वो सारा लिखा हुआ है। ओवरऑल इन दो पन्नों में सिर्फ ये है कि आपका सारा बिल था और दूसरा जो टेस्ट इसने पास किए हैं वो सारे थे। अब मैंने ये ओपन कर लिया है जो कैबिनेट का बॉक्स है, और इसके अंदर भी और एक फोम की शीट है, जबकि एक कैबिनेट जो है वो इसमें ये थर्मल जो आते हैं थर्माकोल जो आता है उस पर रखा होता है, लेकिन एक और फोम की शीट दिखाई दे रही है मुझे। ओवरकिल है ये तो, ओवरकिल है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ क्यों कह रहा हूँ, मैं खुद भी इसी बेचता हूँ, इतने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो ख्याल रखना पड़ता है अगर ग्राफिक कार्ड लगाओ। वैसे मैं तो ज़्यादातर क्या है ग्राफिक कार्ड अलग से ही भेजता हूँ या फिर बॉक्स में करके भेजता हूँ कि वो आप खुद ही लगा लेना। अब इसको निकालने के लिए मुझे बॉक्स उल्टा करना पड़ेगा, तो वो मैं कर ले रहा हूँ। ये मैंने बॉक्स निकाल लिया, हो पीसी अनबॉक्सिंग, बड़ी मेहनत का काम है, मैं तो सोच रहा हूँ मोबाइल चैनल ही खोल लूँ, उसमें अनबॉक्सिंग में इतनी कसरत नहीं होती। ये जो मेन है ये देखो आप, मैं निकाल रहा हूँ जो मेन पैकिंग होती है, ये जो थर्मोकॉल है ये निकला कैबिनेट के साथ, यही आता है। मैं थक गया, मैं और अनबॉक्सिंग नहीं करना चाहता।
अल्टीमेट पैकिंग। वैसे बॉक्स वगैरह थोड़ा ढंग से ही निकाल लो, अगर आपको वापस भेजना पड़ा ना तो यही सारी पैकिंग आपकी काम आएगी भेजने में। ये मैं कह रहा था कि ये जो है एक्स्ट्रा फोम पूरी लगी हुई है, इसको भी मैं हटा ले रहा हूं। ये लो जी असली कैबिनेट पूरा निकल आया है। एक मिनट, हो अल्टीमेटली कैबिनेट निकल आया। वो पसीना छूट गए मेरे तो। अभी और टेप है और पन्निया है। मैं ये एक्चुअली मैं जब अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ ना वो इसलिए भी ध्यान देके कर रहा हूँ कि ये पॉलिथिन वगैरह भी है ना वो मुझे फाड़नी ना पड़े। मैं अपनी जो पर्सनल प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनकी पैकिंग भी बहुत ढंग से रखता हूँ। एक तो कभी भेजने हुए तो, और दूसरे बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। बहुत टेप है भैया, बहुत टेप है। ये निकल आया, मतलब ये भी अच्छा है। ये पॉलिथीन वगैरह जो आपको मिली है वो स्क्रैच नहीं लगने देगी, अच्छा ही है। वैसे स्क्रैच लगने के तो कोई चांसेस ही नहीं थे। कार्डबोर्ड बॉक्स बहुत होता है, उसके ऊपर थर्माकोल बहुत होता है। ये आपका पीसी जो है पूरा अनबॉक्स हो चुका है। अभी मैं क्या है ये कैबिनेट खोलूंगा और उसके अंदर देखूंगा जो सामान है। मैं यहां से खोलना शुरू कर रहा हूं। अब आपके साथ ही मैं भी देख रहा हूं कि इसके अंदर के कंपोनेंट्स हैं वो सेफ हैं कि नहीं है। ये मैं इधर रख दे रहा हूं टेम्पर्ड ग्लास मॉनिटर पे प्यार से टिका के। फिसलियो मत भाई यार, ये फिसल जाएगा, टूट जाएगा। इधर रख देता हूं, बहुत फोम है, बहुत फोम है। ये इतनी फोम वोम सब निकाल रहा हूं मैं, भाई साहब मैं थक गया हूं सही बता रहा हूं ये फोम निकालते निकालते। वैसे एक ध्यान रखिएगा बात, ये ओपन करके आपको सारा सामान निकालना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप प्लग करो और फिर ऑन कर दो पीसी। ये सारी चीजें आपको निकालनी है। ऑल्दो ये जो भी मटेरियल है ये भी बड़ा सेफ सा है, इसने पूरी शेप ले ली थी जो भी शेप अंदर थी। ये देखो आपका ग्राफिक कार्ड वगैरह सब लगा हुआ आया है। बहुत फोम है, बहुत फोम है। ये आपका ग्राफिक कार्ड पूरा लगा हुआ है। मोस्टली क्या होता है कि ये मैं तो डिटैच करके भेजता हूँ क्योंकि इसके जो है ऐसे ऐसे हिल के टूटने के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी पैकिंग लगी हुई थी कि यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। बेहतरीन अपना इंटेल का प्रोसेसर, रैम लगी हुई है, सब लगा हुआ है। और मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, जो ग्राफिक कार्ड है उस पर भी आप ये देखो थोड़ा सा ग्लू सा लगा हुआ है, जॉइंट जो है वो सील कर दिए गए हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती भी हैं अगर वो इसलिए होती हैं कि ये जॉइंट्स खुल जाते हैं। जैसे आपका पीसी ऑन नहीं हुआ, वो मोस्टली प्रॉब्लम 95% यही होगी कि इसमें कोई जॉइंट ढीला रह गया था, तो उन्होंने वो बिल्कुल फिक्स कर दिए हैं। सारे जॉइंट्स पे उन्होंने ग्लू लगा दिया है बहुत ढंग से कि आप खोलो और चलाओ और गारंटी है कि चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक अच्छी चीज लगी, ग्लूइंग जरूरी है। मैं तो नहीं करता जब पीसी भेजता हूं, लेकिन ये ग्लूइंग जरूरी है क्योंकि जो जा रहा है जिसके पास बंदा उसे आइडिया नहीं है तो उसको तो सिर्फ चलाना ही है और चलना चाहिए, वो चलेगा पीसी। और मैंने बड़ी चौड़ी में जो है ये जो थर्मोकॉल फेंके थे ना अभी, उसमें केबल भी पड़ी हुई थी, वो केबल भी निकालनी थी, उस बॉक्स में ही थी, वो मैंने निकाल लिया। मैं से लगाता हूँ और ऑन करता हूँ पीसी को। ये मैंने वायर लगा लिया पावर का। मैं आपको एक और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखो ये इंडियन जो है सॉकेट है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी क्योंकि ज्यादातर पीएसयू जो मेरे पास आते हैं वो यूके वाले सॉकेट के आते हैं और वो जो चाहिए होता है स्विच बोर्ड उन्हें वो होते नहीं है लोगों के पास। इसे आप अपनी वॉल पे भी लगा सकते हो। मैं अपने कमरे की किसी भी वॉल पे और अपने दूसरे पीएसयू के सॉकेट नहीं लगा सकता, लेकिन ये लग सकता है। ये मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अच्छी लगती है कि अगर कोई प्रीबिल्ट ले रहा है क्योंकि उसे ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा मुसीबत नहीं लेना चाहता, तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लगे हाथों आपको ये यूके वाला सॉकेट भी दिखाई दूं,
ये ऐसा कुछ होता है, इसके लिए आपको फिर खरीदना पड़ेगा, ये आपके वॉल पे नहीं लग पाएगा, देख रहे हो आप। ये जरा एक बार आपको और दिखाऊं कि ये तो कैबिनेट के अंदर से पैकिंग निकली है, और आपको दिखाता हूं कैबिनेट के ऊपर के कितनी पैकिंग निकली है, ये और कैबिनेट के प्रोटेक्शन के लिए पैकिंग निकली है। साथ में मैं जो ग्राफिक कार्ड का जो पोर्ट है उस पर भी अपना डिस्प्ले पोर्ट लगाए दे रहा हूं, शायद मैं उल्टा लगा रहा हूं, नहीं सीधा लगा रहा हूं, लग गया। अब आप सभी के सामने मैं ये ऑन करने जा रहा हूं, पहली बार मैं और आप एक साथ करेंगे। पहले मैं पीछे से बटन ऑन कर लूं, कई लोग ये बार भूल जाते हैं, पीछे से बटन ऑन नहीं करते, फिर कहते हैं पीसी नहीं चल रहा है। मैंने ऑन कर दिया और अब मैं ऊपर से बटन दबाने आ रहा हूं, पहली बार में ही चल चुका है ये आरजीबी संपन्न। वाह भाई वाह, आरजीबी पक्का चलेगा यार, आरजीबी है इसमें, कोई टेंशन नहीं। आरजीबी की मतलब वजह होती है कि गारंटी है कि पीसी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। प्रो सीरीज ठीक है जी, MSI का मदरबोर्ड है, तो ये जो उनकी बायोस की जितनी भी ब्रांडिंग होगी वो आएगी, प्रो सीरीज वो आ रही है, और देखते हैं क्या आता है। ये डायरेक्ट पीसी चल जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, मतलब जैसा यूज करने वाला होता है कि डायरेक्ट मैं इसमें गेम इंस्टॉल करूंगा और सीधे चलाऊंगा। यूजर वेलकम, थैंक यू, जल्दी से दिखा दो, जल्दी से दिखा दो। ठीक है जी, जैसा आता है बिल्कुल वैसा पड़ा हुआ, विंडोज ऑन हो चुकी है। साथ में मैं देखूं क्या क्या सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, मैं आपको भी दिखाता हूं, आप भी देखो क्या क्या सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। यूजर दिस पीसी रिसाइकल बिन जी फोर्स एक्सपीरियंस गूगल क्रोम फॉर मार्क, ठीक है जो टेस्टिंग के लिए होते हैं। अब मैं फटाफट इस पे क्या है गेम इंस्टॉल करता हूं, वो फटाफट गेम चलाते हैं, देखते हैं अपना 1650 कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उससे पहले जरा आरजीबी के मजे तो ले लीजिए, कम ऑन, सामने आरजीबी वाली स्ट्रिप्स और पीछे वाला फैन भी जो है वो भी आरजीबी से संपन्न है, वेरी नाइस। देखो मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, मैं सस्ते सस्ता पीसी बनाना चाहता था, उसमें सस्ते सस्ते कैबिनेट्स में से ये था, वरना मैं कोई और कैबिनेट चूज करता जो और मुझे अच्छा लगता, जिसमें फ्रंट में जो है आरजीबी फैंस होते। लेकिन बहुत ही सस्ते केसेस में ये भी बढ़िया है, और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि बजट कम से कम रखना है और गेमिंग पीसी बनाना है, वो हमने अचीव कर लिया। साइड से कैबिनेट कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपको 1650 दिखाई दे रहा है, आपका जो 9100 है वो आपको दिखाई दे रहा है। साथ में इस कैबिनेट में आपको पीएसयू श्राउड भी मिलता है, जिससे कि आपको पीएसयू और पीएसयू की केबल्स देखने को ना मिले। और अगर आप देख पा रहे हो तो फ्रंट पैनल जो होता है कैबिनेट का, उसकी भी सारी वायरिंग जो है यहाँ पे कर दी गई है। आइए देख लें इसमें आपको फ्रंट में क्या क्या मिलता है। आपको ये ऑन ऑफ स्विच मिलता है, पहले मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे लगा था ये ऑन ऑफ स्विच। साथ में आपको मिलता है वही हेडफोन जैक और माइक, दो USB 2.0 पोर्ट्स मिलते हैं, एक USB 3.0 पोर्ट मिलता है। साथ में आपको कार्ड रीडर भी मिलता है इसमें, और ये RGB चेंज करने के लिए है, जैसे आपको इफेक्ट चेंज करने हो, ये आप देख सकते हो RGB चेंज हो रही है स्ट्रिप की। अगर मुझे कुछ कहना हो ना कि इस PC के बारे में मुझे क्या बुरा लगा कैबिनेट के लिए, बाकी PC तो बढ़िया है, इसके RGB इफेक्ट्स मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। अब आपको मैं बता दूं, हमने पैसे भी खर्च नहीं किए, इतने पैसों में तो एक नॉर्मल कैबिनेट आता है, यहाँ पर आपको PSU शॉर्ट वगैरह मिलता है, लेकिन RGB बस ओके ही है। और आप देख रहे हो मैं ये इफेक्ट चेंज कर रहा हूँ, पीछे वाले फैन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये जो स्ट्रिप है फ्रंट की सिर्फ वही चेंज हो रही है जो बटन है। बस ये है कि हाँ बजट में आपको RGB मिल गया, मतलब ये भी बस यही कमी अगर पूछोगे ना तो बस यही है थोड़ा सा। अगर RGB मैंने देखी है हमेशा अच्छी देखी है, बट ऑनेस्टली गाइज मैं भी बहुत ही बेकार की शिकायत कर रहा हूँ, जितने मैंने पैसे दिए हैं इतने में सिंपल केसेस ही आते हैं। यहाँ आपको टेम्पर्ड ग्लास भी मिल गया है, और RGB भी मिल गई है, PSU श्राउड मिल गया है, एक हल्का फुल्का केस मिल गया है, वो बहुत है। चलो बैक पैनल भी एक बार खोल के देखते हैं कि वायर मैनेजमेंट का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है। ये बहुत टाइटली लगे हुए हैं स्क्रूज पीछे वाले, मुझे थंब स्क्रूज इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि थंब वगैरह से आप खोल लो, लेकिन भाई साहब बड़े ही टाइटली थे, वो इसी हिसाब से बने हुए हैं कि किसी को खोलना ना पड़े। वाह यार सही में यार, मैंने ये नहीं उम्मीद करी थी कि वायर मैनेजमेंट भी ढंग से होगा। ऑल्दो आप देख सकते हो बहुत ही क्लीन वायर मैनेजमेंट है, एकदम सबको ढंग से पैक किया गया है, और इवन आप हार्ड डिस्क पे भी देखोगे तो वो सील पैक है। मैं आपको ढंग से ही दिखा देता हूँ, ये आप देखो जरा, हार्ड डिस्क एकदम सील कर दिया गया है ढंग से, जो ग्लू है, जिससे कि ये भी ना निकले, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मस्त एकदम वायरिंग वगैरह बहुत टाइट की गई है, वेरी नाइस। ये तो मैं दिखाना भूल ही गया, मेरी फेवरेट VS 450। अच्छा एक बात बताऊं आपको, जो पुरानी 450 आती थी वो इतनी पतली नहीं थी, ये मुझे लग रहा है नए जो 450 आने लगी है वो है, इसका साइज देखना कितना छोटा सा है। आइए देख लेते हैं पीछे आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आपको जैसे मदरबोर्ड के साथ आपको ये दो USB 2.0 मिल जाते हैं,
माउस के लिए मिल जाता है, VGA पोर्ट मिल जाता है, और एक मजे की चीज दिखाऊं आपको, ये HDMI पोर्ट था, वहां पर इन्होंने स्टिकर लगा दिया और नॉट टू यूज लिख दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रीबिल्ट वाली कंपनियां हैं, इन पे कई लोग जो लेते होंगे उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, फिर वो अपना HDMI पोर्ट जो है यहां लगा रहे होंगे और उन्हें जो है ग्राफिक गेम चलते नहीं होंगे, कंप्यूटर तो चलता होगा गेम चलते नहीं होंगे, फिर वो शिकायत करते होंगे, फिर एक दो घंटे बाद पता चलता होगा कि आप तो यहां लगा रहे थे मदरबोर्ड से चला रहे थे, आपको ग्राफिक कार्ड से चलाना चाहिए था, तो उन्होंने वो स्पीकर ही चिपका दिया। ये चीजें भी मुझे देखने को मिलती हैं कि प्रीबिल्ट कंपनियां कैसे काम कर रही हैं। साथ में आपको दो USB 3.0 मिल जाते हैं, फिर दो USB 2.0 मिल जाते हैं, टोटल 6 USB हैं। अच्छा है मदरबोर्ड, जब भी अपने बजट मदरबोर्ड ही लिया तो भी काफी पोर्ट्स मिल गए हैं हमें, ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है आपके इंटरनेट के लिए और आपके हेडफोन माइक वगैरह के लिए सब कुछ मिल जाता है आपको। साथ में ये ग्राफिक कार्ड के आपको मिलते हैं, ग्राफिक कार्ड के लिए एक DVI ये डिस्प्ले पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, एक DVI-D पोर्ट है, जो कि मोर देन इनफ है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड, जो विंडोज अब एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन मेन बात है कि हमने जो प्रोसेसर लगाया हुआ है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, और जो डिस्क लगी हुई है, जैसा कि ये हमारी सी ड्राइव है, ये हमारी SSD है WD की, दूसरी जो हार्ड डिस्क है उसकी उन्होंने दो दो पार्टीशन कर दी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जैसे सी ड्राइव है वो आपको सीगेट की मिल गई, WD की मिल गई है अपनी SSD, और साथ में जो हार्ड डिस्क है उसके दो पार्टीशन कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, जैसे जो प्रीबिल्ट खरीदे ना उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपने सिर्फ हार्ड डिस्क उन्हें दे दी ना तो वो पार्टीशन शार्टीशन उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ ऑलरेडी आपको आधी आधी कर दी उन्होंने, 1 TB की आपने हार्ड डिस्क खरीदी थी उसको हाफ कर दिया इन्होंने, वो आपको दे दिया गया है। साथ में GPU आप देखो, हम 1650 सुपर चला रहे हैं, ये आप देख ही सकते हो, यहाँ पर आपकी ये D और E हार्ड डिस्क पे है, सी आपकी जो है SSD है, मेमोरी में आपको जो है 8 GB जो है मिली है रैम, CPU अपना वही 9100F। और दूसरा मैं आपको भी बता रहा था ना कि वो जो HDMI स्लॉट है वो काम नहीं करेगा मदरबोर्ड पे, 9100F लगा हुआ है, वो तो इंटीग्रेटेड GPU में आता ही नहीं है, तो वो वैसे भी नहीं चलेगा। अगर आपने गलती से मदरबोर्ड के सॉकेट में HDMI लगा दिया ना तो वो PC चलेगा ही नहीं, डिस्प्ले ही नहीं दिखाई देगा, आपको ग्राफिक कार्ड पे ही लगाना होगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। आइए कुछ गेम्स में बेंचमार्क कर लेते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हो, मैं शेडो ऑफ द टूम रेडर चला रहा हूँ, ग्राफिक कार्ड आप देखो फिलहाल 84 पे है, लेकिन कई सीन्स में ये 100% पे ही रहता है। इस समय थोड़ी सी बॉटल नेकिंग हो रही है, क्योंकि हमारा i3 जो है, देख रहे हो आप 100% पे यूज हो रहा है, वो थोड़ा सा भी हाल फिलहाल साथ नहीं निभा पा रहा। ये एक नॉर्मल बात है इस तरह के बजट PCs में, क्योंकि आप देखो मार्केट में हम चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है, तो यह एक नॉर्मल बात है। ज्यादातर सीन्स में आप देखोगे 90% के ऊपर ग्राफिक कार्ड चलेगा, दैट्स वेरी ओके। इस गेम में आपको एवरेज जो है वो 60 के ऊपर मिल जाता है, आप ये समझो हाई सेटिंग्स पे हम 1080p 60fps को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो सीन्स होते हैं वहां पे थोड़ा सा बॉटल नेकिंग होती है, इसीलिए मैं आपको पर्टिकुलरली ये सीन दिखा रहा हूं। वैसे मजॉरिटी गेम्स में i3 9100F पूरा साथ निभाता है 1650 सुपर का। हमने एक बजट PC बनाया था और मेन प्रेफरेंस हमारी ग्राफिक कार्ड में ही है। अगर आप मुझसे कहते ना कि 1650 सुपर की जगह 1650 ले लो और आप जो है i3 की जगह i5 ले लो, तो मैं आपको मना कर देता। मेरा तो यही प्रेफरेंस था कि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा ग्राफिक कार्ड में जाना चाहिए, जिससे कि ताकतवर ग्राफिक कार्ड आपको मिले। आप देख सकते हो हाई सेटिंग्स में वीसिंग वगैरह सब ऑफ है, 65 का एवरेज मिल गया आपको, यानी कि इस PC पे आप आराम से कई AAA टाइटल्स आराम से आप 60fps की गेमिंग कर सकते हो। आइए कुछ नए गेम्स में भी देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है PC। आइए अब एक नया और लेटेस्ट गेम चलाते हैं, जो कि है रेड डेड रिडेम्पशन 2, जो कि PC पे नवंबर 2019 में आ गया था, वैसे उससे एक साल पहले कंसोल पर रिलीज हो चुका है। ये भी गेम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और मैं खासकर ये सीन आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये शहर में चल रहा है, और आप देख सकते हो ग्राफिक कार्ड जो है वो 80% पे चल रहा है और CPU अपना पूरा 100% हो चुका है। यहाँ थोड़ी सी बॉटलनेकिंग हो रही है। अगर आप मेरे से पूछो कि परफेक्ट PC कौन सा होता है जी, तो 1650 सुपर के साथ वैसे तो मैं आपको 9400F करता रिकमेंड, लेकिन ये PC भी बहुत अच्छा चलता है। लिटरली ये कई सीन्स में 60% पे चलेगा CPU नॉर्मली। आप देख सकते हो अभी ग्राफिक कार्ड वही सीन चल रहा है, 100% पे पहुंच गया, और इसमें आपको 45 से 60fps की गेमिंग हो जाएगी। और याद रखिए, मैंने सेटिंग्स लो नहीं करी है, कई सेटिंग्स अल्ट्रा पे हैं, टेक्सचर वगैरह, अगर आप उन्हें लो करते हो तो आपको और ज्यादा फ्रेम रेट भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा, रैम देख रहे हो आप, जरा यहां पर रैम देखना,
रैम बिल्कुल 8GB पास पहुंच रही है। इस समय तो मैं आपको साफ बता दूं गेम में कंपनसेशन हो रहा है, बस गेम पूरा ही कर रहा है कि 8GB पूरे ना लगे, वरना तो मैं साफ कहता हूं इस तरह के बजट पीसी में भी अब आप 16GB रैम को आप मतलब बहुत ही गौर करना, आप इससे मतलब कम में काम चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हो आराम से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, GPU भी अपना देखो आप 100% पे काम कर रहा है। ये PC बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है इस गेम में। और जब ये डिलीवरी होने वाली थी ना, तो आप देख भी सकते हो मेरे पे कई SMS आते रहे और ईमेल्स भी आते रहे कि आपका कब आने वाला है। और जैसा कि आप देख भी सकते हो 8 फरवरी पे मेरे पास 2-3 दिन के अंदर ये PC पहुंचने वाला था, लेकिन मैं वीकेंड पे बाहर था तो मैंने पोस्टपोन कर दिया। वैसे तो मैं रिसीव कर लेता हूं, लेकिन जब पैसे देने होते हैं तो मैं अपने सामने ही करवाना चाहता हूं, और मुझे वो रिकॉर्ड भी करना था प्रोसेस पूरा पैसे वैसे देने का, तो वो मैंने बाद में पोस्टपोन भी कर दिया। तो बाद में पोस्टपोन होकर मुझे मिल गया, साथ में ये मैसेज आ जाता है कि भाई अपने पैसे वैसे रेडी रखना और जब आए तो उसे आप दे देना। मस्त आपको फुल अपडेट मिलती रहेगी पूरे प्रोसेस के दौरान। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ उस पूरे प्रोसेस का। देखो ये PC तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस समय अगर आप पूछोगे एक सुपर बजट PC में क्या लगाओगे IG, तो मैं CPU में तो i3 9100F चूज करूंगा, ग्राफिक कार्ड में 1650 या फिर मैं उसको छोड़ के 1650 सुपर ही यूज करूंगा। जो पैसे हैं वो मैं आपके मैक्सिमम ग्राफिक कार्ड में लगवाऊंगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थोड़ा अपडेट अगर मुझे करना हो तो उसमें एक एक्स्ट्रा रैम भी लगाऊंगा, और हो सके अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो तो आप थोड़ा अपग्रेड करें और आप i5 लेने की कोशिश करें। ओवरऑल एक्सपीरियंस इस पर बजट PC पर बहुत अच्छा रहा, मजा आया। और मैं साथ में आप ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो पूरा PC मंगाया है उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं आपको सही बताऊं, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता, मैं आसानी से काम हो जाए और फुल अपडेट रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और दूसरा मैं तो बताऊं अपनी पर्सनली, मैं तो बहुत जगह से बहुत सामान मंगाता हूं, मोस्टली सारे बिजनेसेस बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं स्पेशली इसमें भी देखना चाहता था और आपको भी दिखाना चाहता था कि फुल प्रोसेस क्या है। जैसे कई लोग होते हैं मुझे इतना नहीं प्रॉब्लम झेलनी कि मैं लाइव फीड देखूं, तो कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना चाहते हो तो सीधे मंगाओ और यूज़ करना शुरू करो। लेकिन तसल्ली वाली बात होती है कई लोग जिनके लिए 40,000 एक बड़ा अमाउंट है, 40,000 का तो हम ये बजट PC कह रहे हैं, वरना से ज़्यादा ही पैसे आप दोगे तो भाई बड़ा अमाउंट है, लेकिन उनको चाहिए बस तसल्ली, उन्हें पता है चीज़ सही आ जाएगी, वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से हम लोग चीज़ें मंगाते रहते हैं, लेकिन एक तसल्ली चाहिए होती है। उसके लिए आप लगातार बात करते रहो, लगातार अपने पार्ट्स देखते रहो, लाइव फीड देखते रहो, वीडियो से वीडियो मंगाते रहो। और दूसरा आप अपने लिए भी पूछो, जो कंपनी वाले हैं Bitkart.in वाले हैं उनसे आप पूछो कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ मेरे यहाँ डिलीवरी हो जाएगी, किस तरह की सर्विसेज मिलेंगी, आप क्या रिकमेंड करते हो, मैं ये करता हूँ, मेरी ये प्रिंटर की दुकान है या मेरी वीडियो एडिटिंग की शॉप है वगैरह वगैरह, तो आप क्या रिकमेंड करते हो, वो सारी बात आप कर सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। साथ में मुझे एक अच्छी बात ये लगी, वैसे तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ अपना PC खुद बनाइए, वो एक अलग ही जॉय होता है, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो सिर्फ पैसों के बचाने के चक्कर में जो है PC बिल्डिंग में आते हैं, तो उनके लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि पैसों का बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। ये वेबसाइट वाले प्रीबिल्ड जो होते हैं इनमें अगर Asus के खरीदोगे आप तो महंगे पड़ जाएंगे, ओवरऑल ही अच्छा है। दूसरा मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि कई लोग जो होता है थोड़ा सा वो फोबिया होता है कि देखो भाई पैसे हैं मेरे को फटाफट अपडेट मिले तो ज्यादा बेटर है, वो अपडेट भी लगातार मिलती है। Bitkart.in की तरफ से तो मिलेगी आपको ईमेल्स के थ्रू और खूब बात से और वीडियो बना बना के, व्हाट्सएप पे लगातार आप बात करते रहो, लगातार कॉन्टेक्ट में रहो, सलाह लेते रहो। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बाद में पेमेंट किया, साथ में ये लगातार SMS भी आपको आते रहेंगे, तो अपडेट तो फुल है। और कैश ऑन डिलीवरी अल्टीमेट, जैसे कि कई लोगों को ये भरोसा नहीं होता है कि वेबसाइट है पैसे वैसे खाए के मेरे पैसे चले ना जाएं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी चूज कर सकते हो, ऑल्दो उसकी भी एक लिमिट है, वो आप चूज कर लेना। इस PC का मैंने कोई परसेंटेज पहले नहीं चुकाया था, मैंने पूरा इसकी पेमेंट जब तक PC मेरे हाथ में नहीं आ गया उसके बाद ही मैंने पेमेंट करी है, तो वो प्रोसेस भी सिंपल था, जो कोरियर वाला आता है वही बेचारा अपना ले लेता, वही गिनता बैठ के और ले लेता है, सिर्फ उसने ID देगी मेरी, साइन वाइन भी नहीं कराए और ले गया, वो मेरा काम हो गया। ये प्रोसेस बड़ा सिंपल था, अगर मुझे किसी और को PC भेजना होगा ना फटाफट खटखटाकट कर दूंगा और फौरन उसका ही दे दूंगा, इवन कंपनी वालों से भी मैं कह दूंगा कि वहां उनसे बात कर लो, पेमेंट मैंने करी है वगैरह वगैरह, सारी तरह की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। Bitkart.in को जरूर चेक कीजिएगा। वैसे आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना कि ये मेरे यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा या मुझे थोड़ी बात करनी है, सारी चीजें इन्फॉर्मेशन Bitkart.in की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद पूछो जाके कि कैसा प्रोसेस है। वैसे इस वीडियो में जो आपके साथ प्रोसेस होगा कैसे करना है, कैसे लाइव फीड देनी है, वो तो सब मैं आपको दिखा ही चुका हूं, लेकिन आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉल करो या फिर और व्हाट्सएप करो या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके विजिट करो, आप खुद ट्राई करो। ओवरऑल मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप प्रीबिल्ट की तलाश में हैं तो आपको Bitkart.in पे
जरूर एक बार जाके चेक करना चाहिए, जरूर एक बार बात करनी चाहिए। प्राइसेस वगैरह भी डिस्कस कर लीजिए आप, अगर आपको अपने शहर में प्राइसेस अच्छे मिलते हैं तो आप वहां से लो, लेकिन अगर bitkart.in से अच्छे मिलते हैं तो आप वहां से लो, जहां से बढ़िया लगता है वहां से लो। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, और कोई आपके क्वेश्चंस रह गए हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा कि आई जी मुझे ये शक हो रहा है कि ये ऐसे तो नहीं है वैसे तो नहीं है, वो सब आप कमेंट्स में लिखो और बात हो सकती है इसके ऊपर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं आई जी, आप देख रहे हैं इंडिया में, चैनल में मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टाटा। हेलो गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम बिटकार्ट। आज हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। ये एक मशीन है, इसमें हमारा एम ये है कि अगर आपके पास ये मशीन ऐसी पहुंचती है तो आप इसको इस तरह से अनबॉक्स करें कि इसका जो मटेरियल है इसका रीयूज आप कर सकें। मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम आती है वारंटी के लिए आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ, तो आप इसको ऐसे ही तरीके से अगर आप खोलेंगे तो इसमें मैक्सिमम मटेरियल जो है आपका रीयूज हो सकता है, क्योंकि ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा नहीं, ये हमारे बेस में मिलता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ड्यूरेबल है और वाटरप्रूफ है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में फ्रेंड्स आपको, तो हमारा एम ये है कि दिस शुड बी यूज रीयूजेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर कंप्यूटर एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इन ट्रांजिट। तो गाइज लेट्स सी, अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो ये हम वीडियो आप तक पहुँचाएँगे, ताकि इस तरह से आप इसको अनबॉक्सिंग करें अपने कंप्यूटर की, ताकि आने वाले समय में ये आपके काम आए। थैंक यू, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली।
और जो बेटा के और जो आपको बहुत अच्छी बात है।